हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की। आलू की टिक्की मैं आपको विदाउट ऑयल भी बनानी बताऊंगी कि कैसे आप विदाउट ऑयल टिक्की बना के रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें, कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। चलिए हम जो अपनी रेसिपी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 6 बॉइल्ड पटेटो ले रही हूँ। हमें जो पटेटो लेने हैं वो ठंडे लेने हैं, गर्म ना हो। और मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से हमें मैश करना है। जो आपको आलू लेने हैं वो आपको गर्म नहीं लेने हैं, ठंडे आलू का यूज़ करना है। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, टोटल ऑप्शनल है। अगर आप लेमन जूस ऐड करेंगे तो आपके टिक्की का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हमें इन्हें अच्छे से बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आप मैशर से हेल्प करना चाहते हैं तो आप मैशर से भी हेल्प मैश कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हैंड से मैश कर लें। बहुत ही अच्छे से हमें मैश करना है। मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ। जो राइस फ्लोर है मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो आप चावल को मिक्सी में अच्छे से पीस लें और उसको छान लें, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स नहीं ऐड कर रही हूँ, ना ही मैं सूजी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि राइस फ्लोर ऐड करने से हमारी जो टिक्की का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मेरा जो डो है बन के रेडी हो गया है। आप डो को बनाने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ज़रूर रख दें। पहले हम इसको राउंड राउंड शेप में बना के रख लेंगे, इक्वल इक्वल शेप में। आप देख सकते हैं हमारी जो टिक्की है बन के रेडी हो गई है। मैं यहाँ पर असाई कसाई का फ्रैंक पैन फॉइल यूज़ करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने ऐसे इसको तवे पे सेट कर लिया, आप देख सकते हैं मेरा जो नॉन स्टिक तवा है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मैंने इसके ऊपर इसको सेट कर लिया है। मैं यहाँ पर असाई कसाई का फ्रैंक पैन फॉइल यूज़ कर रही हूँ, उसमें देख कितना अच्छा कटर दिया हुआ होता है। मैं इसके ऊपर अपनी जो टिक्की है वो रख देती हूँ। जितनी टिक्की आराम से आपके तवे पर आ जाए उतनी आप ऐड कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट पे आपके लिए पूरी वीडियो लेकर आऊं कि क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे हमें इसे यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपके लिए पूरी जो जो इसके बेनिफिट हैं सब आपको बताऊंगी और इसको हमें कैसे यूज़ करना है। देखिए हमारी विदाउट ऑयल कितनी अच्छी टिक्की बन के हमारी रेडी हो गई है। टेस्ट भी बिल्कुल सेम ही रहता है और बनने में बिल्कुल सेम बनती है, बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी बनती है। अब मैं आपको ऑयल से बनाना बता देती हूँ। देखिए मैंने उसी तवे पे ऑयल ऐड कर लिया है और ऐसे ही मैं ऑयल ऐड करके बनाऊँगी। देखिए बहुत सारा ऑयल ऐड करना हमें होता है जिससे कि हमारी टिक्की सिकती है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस ही हमें वही फॉलो करना होता है, जैसे हमने विदाउट ऑयल बनाई थी वैसे ही हमें ऑयल से बनानी है। और जब तक ये थोड़ी सी अच्छे से नीचे से ब्राउन ना हो जाए आप इसे पलटे नहीं, जब अच्छे से ब्राउन हो जाए तभी आप इसको पलटें। जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ अपनी रेसिपी में वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लें। इससे पहले एक मैंने रेसिपी शेयर करी थी पनीर टिक्का मसाला टाकोस की, वो भी मैंने असाई कसाई के प्रोडक्ट पर ही यूज़ करके बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ऊपर बेल आइकन बटन पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। आप देख सकते हैं हमारी जो टिक्की है बहुत ही अच्छे से ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी हो गई हैं। ये प्रोडक्ट आपको असाई कसाई का ईज़िली फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन बिग बास्केट कहीं पर भी मिल जाएगा, तो आप ईज़िली परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी जो टिक्की है वो लाइट ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी हमें इसे और अच्छे से ब्राउनिश करनी है, डार्क ब्राउन। आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप मेरे से क्या रेसिपी देखना चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वही रेसिपी लेकर आऊँगी। आप देख सकते हैं हमारी जो टिक्की है बहुत ही अच्छे से सिक गई है। असाई कसाई के प्रोडक्ट पे आप पराठा बना सकते हैं, पकोड़ा बना सकते हैं, ग्रेवी बना सकते हैं, बिल्कुल विदाउट ऑयल आप ग्रेवी बना सकते हैं। उसकी भी मैंने पनीर टिक्का मसाला टाकोस में आपको ग्रेवी बनाना भी बताया है, तो आपके लिए वो वीडियो भी बहुत यूज़फुल रहेगी।
आप देख सकते हैं हमारी जो टिक्की है वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई है। चलिए मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। हमारी जो टिक्की है वो बन के रेडी हो गई है। हम इसको एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर देते हैं। गैस मैंने ऑफ कर दी है। आप देख सकते हैं मेरी जो टिक्की है वो कितनी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।